हरे कृष्णा राधे राधे जी। तो मेरे इस नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की ब्लॉगिंग शुरू हो रही है सुबह के 7 बजे से। और अभी नल में आ चुका है पानी, अभी हम भरेंगे, पानी भी भरेंगे और खाना भी बनाएंगे। ब्रेकफास्ट हो, बच्चों के लिए स्कूल के टिफिन पैक करूँगी। तो अभी उनके लिए तो मैंने पानी की बॉटल और फ्रूट काट के रख दिया, दूध उनको पीने के लिए दे दिया है। और आगे सब्जी मेरी बन के रेडी हो चुकी है, अब मैं ओनली चपातियाँ लगाऊँगी। तो आज तो मेरा फास्ट है एकादशी का, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। जा चुके हैं स्कूल, अब मैं धोऊंगी कपड़े, रख दिए मैंने कपड़े इकट्ठे करके जी। तो अब हम सारा काम घर का ख़त्म करके जा रहे हैं भागवत कथा में। कथा शुरू हो चुकी है लेकिन मैं भी रुक गई हूँ जाने के लिए। याद इसलिए करवा रहा हूं कि सांस दान करो। अब मन में तो किसी एक के विचार आता ही है, सांस दान कर लो। मुझे अर्पित नहीं किया गया, भगवान जी ने कहा जहां पर मंडप को सजाया जाएगा, सजावट की बात होगी तो केतकी के भूल तेरे से जो है वो सजावट का कार्य होगा, लेकिन देवताओं के ऊपर तो कभी नहीं चलेगा। श्रोता बंधु, वो सब और कोई नहीं है, वो स्तंभ ही शिवलिंग है। वो स्तंभ क्या है? जादू ताली अगर बजा स्तंभ ही शिवलिंग है। आप देखते नहीं है इस तरह से है तो क्या है ये भोले बाबा जी। तो यहां पर वर्णन आया जो ज्ञानी लोग हैं जो शिव पूजा के बिना एक पल नहीं रहते, वो इस अंगूठे को ही शिवलिंग समझते हैं और उसकी पूजा कर लेते हैं। शिव मंदिर में आना है तो भोले बाबा जी के परिवार के सदस्यों के नाम लेने हैं और फिर भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करने, जो भी जल धारा दूध धारा से जो पूजन करना है उसका पूजन जरूर करें। अपने जीवन में भगवान के भक्त बने, बाकी किसी के नहीं। किसी को मार डाला, ब्रह्म हत्या का अर्थ है जब बुरा विचार मन में आ गया किसी के भी प्रति, तो ऐसे पाप से भी इंसान जो है वो छूट जाता है। अगर चार मुख वाला जो है रुद्राक्ष, पांच मुख वाला रुद्राक्ष मोक्ष को देने वाला है। अगर मोक्ष चाहिए तो पांच मुख वाला रुद्राक्ष ला लेगा, छह मुख वाला रुद्राक्ष ला लेगा। नए हाथ में जो वो डाला जाता है तो
और ब्रह्म हत्या के पाप से ये छुटकारा दिलाता है। सात मुख वाला रुद्राक्ष, अगर आपके पास जो धन हित है तो सात मुख वाला रुद्राक्ष ले लें और उस उसे जो अब डाल लो सात मुख वाले रुद्राक्ष, धन जरूर ठहरे। फिर कहा आठ मुख वाला रुद्राक्ष, ये मुक्ति को देने वाला, अगर मुक्ति नहीं मिलती तो आठ मुख वाला रुद्राक्ष डालो। नौ मुख वाला रुद्राक्ष बाई भुजा में धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से जो है सभी कार्य जो है सिद्ध हो जाते। फिर दस मुख वाला रुद्राक्ष, श्रोता भगवान भगवान विष्णु के बराबर है। जब आप दस मुख वाला रुद्राक्ष डालते हैं तो भोले बाबा जी की तो कृपा होती है, साथ में विष्णु भगवान जी की कृपा हो जाती है। ग्यारह मुख वाला रुद्राक्ष, सूर्य देव के समान है। बारह मुख वाला रुद्राक्ष, ये भी तेज को बढ़ाने वाला है। तेरह मुख वाला रुद्राक्ष, भोले बाबा के बराबर है। चौदह मुख वाला रुद्राक्ष, मस्तक पर धारण किया जाता है और संपूर्ण पापों का जो है ये नाश कर देता है। रुद्राक्ष कितने प्रकार के हैं? चौदह प्रकार और बहुत ज्यादा लाभ है। आप अपने हाथों में नग डालते हैं उनका उतना ज्यादा लाभ नहीं होता जितना रुद्राक्ष का जो है वो लाभ होता है, जड़ी बूटियों का लाभ। हाँ जी, तो अभी हम भागवत कथा सुन के आए हैं और कथा सुनने के बाद जैसे ही घर में पहुंचे तो मौसम बहुत ज़्यादा खराब जो है हो गया है। देखो बाहर का मौसम, मैं दिखा देखो बारिश लग पड़ी, हवा तूफान और बादल छाए हुए हैं। हाँ जी, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।